बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास चैप्टर नंबर 10 हम डिस्कस कर रहे थे, लेक्चर नंबर 14। इसके अंदर हमने जो टॉपिक था हमारे पास वो था रिपल टैंक। उसके अंदर हमने जो वाटर वेव्स जनरेट करवाई थी उसकी करैक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर रहे थे। फर्स्ट करैक्टरिस्टिक रिफ्लेक्शन जो था वो हमने लेक्चर नंबर 13 में स्टडी कर लिया था। आज हमारे पास है रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स इन रिपल टैंक, के हमारे पास जो वेव्स के अंदर रिफ्रैक्शन का फिनोमिना हो रहा है रिपल टैंक के अंदर, उसको स्टडी करना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्शन जो है वो होती क्या है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन अ वेव फ्रॉम वन मीडियम एंटर्स इनटू द अदर मीडियम एट सम एंगल इट्स डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल चेंज। ठीक है, अब बातें दो बेटा, यहाँ पे बातें आपने जो है वो याद रखनी है। एक क्या हो रहा है कि मीडियम जो है आपके पास चेंज हो रहा है, वेव जो आपके पास आ रही है वो एक मीडियम से एंटर हो रही है दूसरे मीडियम में, मतलब वहां पे मीडियम जो है वो चेंज हो रहा है। लेकिन रिफ्लेक्शन के केस में क्या हो रहा था, मीडियम चेंज नहीं हो रहा था। वेव जिस मीडियम से, एक मीडियम से आती थी, दूसरे मीडियम की सरफेस से टकराने के बाद वापस पहले वाले मीडियम में चली जाती थी। लेकिन रिफ्लेक्शन में हमारे पास क्या होता है कि वेव जो एक मीडियम से आ रही है वो दूसरे मीडियम के अंदर एंटर होगी एट सम एंगल इस डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल चेंज। वहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, उसकी जो डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में वो ट्रेवल कर रही थी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से देखें डायग्राम में हमारे पास क्या है कि ये बाहर जो एयर है वो हमारे पास फर्स्ट मीडियम है। ठीक है, और उसके बाद ये वाला जो है ये हमने इसको कंसिडर किया है सेकेंड मीडियम। अब ये इंसिडेंट वेव आ रही है, ये क्या कर रही है, एक मीडियम से आ रही है, फर्स्ट मीडियम से आई है, दूसरे के अंदर सेकंड मीडियम के अंदर एंटर हुई है। तो यहाँ पे आके क्या हुआ है कि इसने अपनी डायरेक्शन, पहले इस तरह से आ रही थी, यहाँ पे आके ये कुछ बेंड हुई है, इस तरह से हुई है, मतलब यहाँ से वेव आ रही थी आके इस डायरेक्शन में। जब सेकंड मीडियम के अंदर, ये फर्स्ट मीडियम था इससे आ रही थी, जब सेकंड मीडियम के अंदर आई तो इसने अपनी डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल जो है वो चेंज कर ली है। ठीक है, जब आपको पता है कि हमारे पास लाइट रेस के केस में भी ऐसे ही होता था कि जब हमारे पास लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर एंटर होती थी तो वो क्या होती थी, या तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती थी या नॉर्मल से अवे बेंड होती थी। वहाँ उसकी जब वो मीडियम चेंज होता है, उसके बेंड होने की रीज़न क्या होती है कि जब हमारे पास मीडियम चेंज होता है तो जो वेव है या लाइट रे है उसकी हमारे पास क्या होता है, स्पीड जो है वो चेंज हो जाती है। जब स्पीड चेंज होगी तो उसकी डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। एक मीडियम से आई दूसरे मीडियम के अंदर गई तो उसकी डायरेक्शन जो थी ट्रैवलिंग की वो क्या हुई है, चेंज हुई है, उसके बाद फिर से वो पहले वाले मीडियम में आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पे दो बातें हैं, एक हमारे पास क्या है कि मीडियम जो है वो चेंज हुआ है, दूसरा हमारे पास क्या होगा कि अगर यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रा करते हैं, नॉर्मल ड्रा करें तो यहाँ पे ये था हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हमारे पास क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के इक्वल नहीं होगा, मतलब दोनों एंगल जो हैं वो सेम नहीं होंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन जो है दोनों एंगल हमारे पास क्या होंगे, सेम नहीं होंगे। ठीक है, ये दो मेन पॉइंट थे हमारे पास रिफ्रैक्शन के। एक क्या था कि मीडियम जो है वो चेंज होगा, मीडियम चेंज होगा तो रिफ्रैक्शन का प्रोसेस होगा, जब मीडियम चेंज होगा तो हमारे पास जो वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होगी उसकी जो हमारे पास डायरेक्शन है ट्रैवलिंग की वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। सेकंड पे हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो एंगल है वो सेम नहीं होगा, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के इक्वल नहीं होगा, दोनों सेम नहीं होंगे। लेकिन रिफ्लेक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि वहाँ पे मीडियम भी चेंज नहीं होता और एंगल भी दोनों सेम रहते हैं, रिफ्रैक्शन उसके क्या है, ओपोजिट है। ठीक है, अब हम क्योंकि रिपल टैंक के अंदर हमने इस फिनोमेना को डिस्कस करना है तो हम क्या करते हैं, रिपल टैंक के अंदर देखते हैं कि किस तरह से रिफ्रैक्शन का फिनोमेना हो रहा था, वेव किस तरह से प्रोपगेट कर रही होती है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हमने रिपल टैंक के अंदर एक ग्लास ट्रे ली थी,
अब यहाँ पे हमारे पास एक ऑसिलेटर था, जो यहाँ पे हमारे पास क्या थी, एक डीसी मोटर थी, जिसको अगर हम एसी सप्लाई करें तो वो क्या होती थी, वाइब्रेट करती थी, जिसकी वजह से ये ऑसिलेटर भी जो था वो इस तरह से वाटर की सरफेस से वाइब्रेट करता था, जिसकी वजह से स्ट्रेट वेव्स जो थी वो जनरेट होती थी। अब हमने क्या किया कि एक ब्लॉक लिया, इसके अंदर हमारे पास क्या था, ग्लास ट्रे के अंदर वाटर फिल किया हुआ था। हमने एक ब्लॉक लिया और उसको क्या किया कि इस वाटर के अंदर डिप कर दिया, उसको मुकम्मल तौर पे इसके अंदर डुबो दिया, सबमर्ज कर दिया। अब हमने क्या करना है कि आपने देखा कि यहाँ पे हमने ब्लॉक को रखा है, अब यहाँ से पानी हट गया है, यहाँ पे इस वाले एरिया में हमारे पास क्या होगा, पानी गहरा होगा। जहाँ पे ब्लॉक होगा, ब्लॉक को इस तरह से रखना है कि उसके ऊपर भी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा क्या हो, पानी हो, ठीक है, बिल्कुल हल्का सा। अब यहाँ पे क्या है, इस वाले एरिया में क्या है, इस रीजन में पानी जो है वो गहरा है, लेकिन जो ब्लॉक हमने यहाँ पे प्लेस किया है उसके ऊपर वाली सतह पे क्या है कि पानी जो है वो कम गहरा है। अब हमें रिफ्रैक्शन के लिए दो मीडियम चाहिए होते हैं, ठीक है, एक मीडियम जिसमें वे पहले ट्रेवल कर रही होती, फिर दूसरे में एंटर, मतलब दो मीडियम रिफ्रैक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए हमें रिक्वायर होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास दो मीडियम बन गए, एक ये वाला रीजन, यहाँ पे हमारे पास वाटर जो था डीप वाटर, उसको हम कंसीडर करेंगे फर्स्ट रीजन, और जहां पे हमने इसको ब्लॉक को डुबोया है, सबमर्ज किया है, उसके ऊपर जो था वो क्या था, शैलो वाटर था, कम गहरा पानी था, उसको हमने क्या किया, सेकंड मीडियम कंसीडर किया। अब क्या होगा कि हम जैसे ही इसको सप्लाई मोटर को देंगे, ये चलेगी और इसके बाद वाइब्रेटर जो है, यहाँ पे ऑसिलेटर जो लगा हुआ है वो ऑसिलेट करना स्टार्ट करेगा, यहाँ से हमारे पास वेव फ्रंट्स जो है वो जनरेट होगी, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास वेव जो इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, अब यहाँ पे डीप वाटर है, पानी गहरा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी ज्यादा होंगे, मतलब वेव यहाँ से इस तरह से ट्रेवल करेगी, इस तरह से वेव की जो है वो डायरेक्शन होगी और ऊपर को जाएगी, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम है, वेव पार्टिकल्स इस तरह से एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं, इस तरह से जा रहे हैं, यहाँ पे जाके पानी खत्म हो जाएगा, मतलब पार्टिकल्स नहीं होंगे, तो वेव यहाँ पे नीचे इस तरह से। अब यहाँ पे क्या नजर आ रहा है कि जहां पे पानी कम है वहां पानी ज्यादा है, वहां पे हमारे पास जो है वेव जो है वो लार्जर प्रोड्यूस हो रही है, और जहां पे हमारे पास शैलो वाटर है, कम गहरा पानी है, वहां पे हमारे पास वेव जो है वो क्या हुई है, स्मॉल हो गई है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, जहां पे वेव बड़ी बन रही है, मतलब यहाँ पे उसकी वेवलेंथ लैम्डा जो है वो भी क्या होगा, ग्रेटर होगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि वेव छोटी है, यहाँ पे लैम्डा भी हमारे पास क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, मतलब ये इसको लैम्डा वन दे दे, इसको लैम्डा टू, मतलब लैम्डा वन जो है वो ग्रेटर होगा लैम्डा टू से, मतलब डीप वाटर के अंदर हमारे पास जो वेव प्रोड्यूस हो रही है उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, जो शैलो वाटर है वहां पे वेवलेंथ जो होगी वो क्या होगी, कम होगी, ठीक है। अब हमारे पास इसके बाद इसका देखते हैं कि यहां पे किस तरह से, अब यहां पे वेव जो थी वो जनरेट हो रही थी, अब हमारे पास क्या हुआ कि यहाँ पे जाके अब वेव चल रही है इस तरफ, जहां पे जाके हमारे पास क्या होगा, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगी तो यहां से इस तरह से वो क्या हो जाएंगी, थोड़ी सी बेंड हो जाएंगी। अब यहां से वेव फ्रंट्स हैं, ये क्या हुआ हमारे पास, क्या है ये फर्स्ट मीडियम था, वेव इस मीडियम से आ रही है और ये हमारे पास क्या है, सेकेंड मीडियम है, ठीक है, ये सेकेंड मीडियम है, वेव हमने जनरेट करवाई, वेव फ्रॉम प्रोड्यूस हुए। अब क्या हुआ, वेव इस तरह से ट्रेवल करती हुई आ रही थी, यहाँ पे क्या आएगा, मीडियम चेंज हुआ, दूसरे मीडियम में एंटर हुई, क्या हुआ, वो बेंड हो गई, उसकी डायरेक्शन जो थी वो क्या हुई है, चेंज हो गई है। अब यहाँ पे हमने जिस पॉइंट पे आके वो सेकेंड मीडियम की सरफेस से टकराई है, इंसिडेंट हुई है, वहां पे हमने क्या किया, एक नॉर्मल ड्रा किया, यहाँ पे नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है वो क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो रिफ्रैक्टेड रे हमारे पास नॉर्मल के साथ बना रही है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल नहीं है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के इक्वल नहीं है, मतलब ये दोनों एंगल्स जो बन रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन, ये दोनों इक्वल नहीं है। इट्स मीन यहाँ पे कौन सा फिनोमिना हो रहा है हमारे पास, रिफ्रैक्शन का, क्योंकि मीडियम भी चेंज हो रहा है और हमारे पास क्या हो रहा है कि दोनों एंगल सेम नहीं है, ठीक है।
अब बात करते हैं हम वेवलेंथ की। वेवलेंथ जो है वो डिपेंड करती है डेप्थ पे, गहराई पे। जहां पे डीप वाटर होगा वहां पे हमारे पास क्या होगी, वेवलेंथ ग्रेटर होगी, जिसकी वजह से उसकी स्पीड भी क्या होगी, वेव की ज्यादा होगी। यहाँ पे हमारे पास शैलो वाटर आ जाएगा, वहां पे क्या होगा, गहराई कम होगी, डेप्थ कम होगी, तो हमारे पास वेवलेंथ भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और वहां पे स्पीड जो है वेव की वो भी क्या होगी, स्लो होगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने एक स्ट्रेट वेव जनरेटर रखा हुआ है, वो क्या कर रहा है, स्ट्रेट वेव फ्रंट जो है उनको जनरेट कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास ये वाला पोर्शन जो है डीप वाटर है, यहाँ पे हमने क्या रखा हुआ है, एक बैरियर रखा हुआ है, उसके बाद जो है वो हमारे पास शैलो वाटर है, कम गहरा पानी है। अब यहाँ पे हमारे पास जो वेवलेंथ है, मतलब वेव यहाँ पे जो प्रोड्यूस हो रही है उसकी वेवलेंथ ज्यादा है, और वहां पे स्पीड भी हमारे पास क्या है, ज्यादा है। जैसे ही वो इधर जाएगा शैलो वाटर में, सेकेंड मीडियम के अंदर, वो क्या होगा, उसकी वेवलेंथ भी हमारे पास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और उसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, स्पीड भी उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, ये था हमारे पास सेकेंड उसकी करेक्टरिस्टिक, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव इन अ रिपल टैंक। ठीक है, दो बातें यहाँ पे याद रखनी है। एक हमारे पास क्या होगा कि मीडियम जो है वो चेंज होगा, वेव एक मीडियम से आएगी दूसरे मीडियम में एंटर होगी, जब वो दूसरे मीडियम में एंटर होगी तो उसकी डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल जो है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, मतलब जिस डायरेक्शन में वो पहले मूव कर रही थी उसी डायरेक्शन में दूसरे मीडियम में वो मूव नहीं करेगी, बल्कि उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और वहां पे हमारे पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बना रही होगी, और दूसरा रिफ्रैक्टेड एंगल जो है वो हमारे पास जो कि रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ बना रही है, वो दोनों भी सेम नहीं होंगे, और यही हमारे पास कंडीशन होती है रिफ्रैक्शन की। ठीक है, ये बेटा इसकी डायग्राम ये वाली आपने ड्रा करके मुझे इनबॉक्स करनी है। ये था आज का हमारा टॉपिक। ओके जी, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम इसके थर्ड वाले जो लास्ट फिनोमिना है रिफ्रैक्शन, उसको डिस्कस